अगर आप लोग हमारी वीडियोस बहुत टाइम से फॉलो कर रहे हैं तो आपको अभी तक हमारा क्रेडिट स्कोर से जो ऑब्सेशन है वो समझ आ गया होगा, बट इन दिस वीडियो वी हैव क्रॉस्ड ऑल आवर लिमिट्स एंड टेकन आवर ऑब्सेशन टू सम नेक्स्ट लेवल। क्रेडिट स्कोर कैसे कैलकुलेट करते हैं, फॉर्मूला अभी तक हिडन है, किसी को नहीं पता। बस हमें ब्रॉडली पैरामीटर्स पता है कि अच्छा ये होना चाहिए तो अच्छा होगा, ये नहीं होना चाहिए तो इससे गंदा होगा, बट क्या फॉर्मूला एग्जैक्टली वो कोई नहीं जानता। बट वी हैव क्रैक दैट फॉर्मूला फॉर यू। Yes, we are not kidding. We have cracked the formula to calculate your credit score in this video. Just to be clear, this is not the exact formula. This is just our interpretation to the formula. इस वीडियो में हम फॉर्मूला के साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि अगले 30 दिन में आप 150 से ज्यादा आपका क्रेडिट स्कोर कैसे इंक्रीज कर सकते हो। बट ये सब जानने से पहले ये तो जान लेते कि क्रेडिट स्कोर होता क्या है। अगर आपको नहीं पता तो हम आपको बता देते हैं। क्रेडिट स्कोर एक 3 डिजिट का स्कोर होता है जिससे आपकी पूरी क्रेडिट हिस्ट्री के बारे में पता चलता है, और इन सिंपल वर्ड्स आप पैसे को लेके कितने भरोसेमंद हैं। योर स्कोर कैन रेंज फ्रॉम 300 to 900। जितना ज्यादा बेटर ऑब्वियसली उतना अच्छा, जितना ज्यादा आपका स्कोर होगा उतना अच्छा होगा। क्रेडिट स्कोर के मेनली 5 पैरामीटर्स होते हैं, पेमेंट हिस्ट्री, क्रेडिट यूटिलाइजेशन, लेंथ ऑफ क्रेडिट हिस्ट्री, न्यू क्रेडिट एंड क्रेडिट मिक्स। इन सब में जो सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ योर क्रेडिट स्कोर इज योर पेमेंट हिस्ट्री, एंड इट कॉन्ट्रीब्यूट्स 35% ऑफ योर क्रेडिट स्कोर। अब आपका क्रेडिट स्कोर होता है 900 का मैक्सिमम, सो उसका 35% यानी कि 315 पॉइंट्स अब आपके पेमेंट हिस्ट्री के होते हैं। अभी जो 315 पॉइंट्स है इसका ब्रेकअप देख लेते हैं। पेमेंट हिस्ट्री इज फर्दर डिवाइडेड इन टू 3 सेक्शंस: नंबर ऑफ मंथ सिंस योर लास्ट एडवर्स कॉमेंट, हाउ लेट वॉज द पेमेंट मेड, एंड इफ देर आर एनी ऑन गोइंग केसेस। इस टेबल में आप देख सकते हैं अगर आपकी सारी पेमेंट्स टाइम पे हैं एंड किसी बैंक ने कोई खराब कमेंट नहीं किया है तो आपको इसके पूरे नंबर मिलते हैं 90 से 105 के बीच में। अगर आपने 1-2 महीने पहले ही पेमेंट डिले किया है और बैंक ने उस पर एडवर्स कमेंट किया है तो आपके 60 to 70 पॉइंट्स कट जाते हैं। वेराज अगर आपका लास्ट एडवर्स कमेंट को 2 साल से ज्यादा हो गया तो आपके सिर्फ 20 से 25 नंबर ही कटेंगे। सो अगर आपके इस सेक्शन में मार्क्स कट रहे हैं, सो अनफॉर्चुनेटली यू कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट, आपको वेट ही करना पड़ेगा। एडवर्स कमेंट जितना आना होता रहेगा उतने ज्यादा आपके पॉइंट्स बढ़ते रहेंगे। नेक्स्ट आता है कि अगर आपने डिले किया है पेमेंट में तो कितने दिन का डिले किया है। अगर 0 to 30 डेज के बीच का है तो बैंक जनरली पहली बार में माफ कर देते हैं, बट अगर आप फिर से डिले करेंगे तो आपके 15 से 20 पॉइंट्स कम कर देते हैं। अगर ये डिले 90 डेज से ज्यादा का है तो आपके 60 to 70 पॉइंट्स कट जाएंगे। लास्ट सब सेक्शन डील्स विद बैंकरप्सी केसेस। अगर आपके ऊपर कोई बैंकरप्सी केस चल रहा है तो आपके 50 to 60 नंबर तो सीधा कट जाएंगे। अगर आप ठीक से देखेंगे तो बैंकरप्सी में आपके ऊपर वाले 2 पैरामीटर्स में भी 120 से 130 पॉइंट्स कटेंगे। द सेकेंड फैक्टर ऑफ योर क्रेडिट स्कोर इज न्यू क्रेडिट, जिसका वेटेज रहता है 10%। अब इस पॉइंट पे आके बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। लोगों को लगता है कि अगर हम अपना क्रेडिट स्कोर फ्रीक्वेंटली चेक करेंगे तो हमारा स्कोर कम हो जाएगा, विच इज नॉट एट ऑल ट्रू। अगर आप अपना क्रेडिट स्कोर बार बार चेक करेंगे तो उसको सॉफ्ट पुल बोलते हैं, लेकिन उससे आपका स्कोर कम या ज्यादा नहीं होगा। इन फैक्ट इट इज रिकमेंडेड टू कीप अ क्लोज वॉच ऑन योर क्रेडिट स्कोर, एंड आप उसको बार बार चेक कर सकते हैं। अगर आपको अपना क्रेडिट स्कोर चेक करना है सो यू कैन चेक आउट पिरामिल फाइनेंस। पिरामिल फाइनेंस आपको क्रेडिट स्कोर के साथ साथ एक क्रेडिट रिपोर्ट भी देगा, वो भी बिल्कुल फ्री में, विच अदरवाइज कॉस्ट यू 1200 रुपीज। नीचे दिए गए लिंक पे क्लिक करिए एंड अपना क्रेडिट स्कोर चेक करिए, वो भी बिल्कुल फ्री में। ऑन दी कॉन्ट्ररी, अगर बैंक्स आपका क्रेडिट स्कोर चेक करेंगे टू चेक योर लोन एलिजिबिलिटी तो उसको हम हार्ड पुल बोलते हैं, विच विल हैव एन इम्पैक्ट ऑन योर क्रेडिट स्कोर। अगर पिछले 6 महीने में आपके 5 से ज्यादा हार्ड पुल्स हैं तो आपका स्कोर 50 से 60 पॉइंट्स ड्रॉप हो सकता है। इसलिए इट इज रिकमेंडेड टू नॉट अप्लाई फॉर टू मेनी लोन्स एंड क्रेडिट कार्ड्स एक साथ ही। गुड न्यूज इज दैट यू कैन इजीली इंक्रीज योर पॉइंट्स इन दिस पैरामीटर। अगर आपके इस पैरामीटर में पॉइंट्स कम है तो जस्ट स्टॉप अप्लाइंग फॉर न्यू लोन्स फॉर सम टाइम। 2 से 4 महीने में आपके 50 से 60 पॉइंट्स आराम से बढ़ जाएंगे। थर्ड फैक्टर, जो थर्ड पैरामीटर है ऑन योर क्रेडिट स्कोर, इज क्रेडिट यूटिलाइजेशन, यानी कि आप अपनी क्रेडिट लिमिट का कितना परसेंटेज यूज करते हो। क्रेडिट यूटिलाइजेशन 30% वेटेज रखता है आपके क्रेडिट स्कोर का। अगर आप 1 से 9% तक की अपनी क्रेडिट लिमिट यूज करते हो तो आपको मैक्सिमम पॉइंट्स मिलते हैं। ऑल्सो ये जो हमने एवरेज निकाला है वो 1 साल का है, सो अगर आप किसी महीने थोड़ी ज्यादा भी यूज कर लेते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, एज लॉन्ग एज योर एवरेज इज बिलो 10%। देखने वाली एक और बात है कि अगर आप अपना क्रेडिट स्कोर क्रेडिट लिमिट बिल्कुल यूज नहीं करते हो तो भी आपके पॉइंट्स कटते हैं, बिकॉज 0 क्रेडिट लिमिट यूज करना बैंक्स को नहीं बता पाता कि आपका क्रेडिट बिहेवियर कैसा है। दिस इज ऑल्सो 1 hack टू इंक्रीज योर क्रेडिट स्कोर। अगर आप अपनी क्रेडिट लिमिट को बिल्कुल यूज नहीं करते हो तो 1 से 2% यूज करना शुरू कर दो, आपके 50-60 पॉइंट्स आराम से बढ़ जाएंगे। फोर्थ पैरामीटर इज क्रेडिट हिस्ट्री। सिंपल सम वर्ड्स अगर हम बात करें तो इसका मतलब है कि आपके बैंक का जो क्रेडिट प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि लोन्स,
क्रेडिट कार्ड एक्सेट्रा से आप कितने टाइम से जुड़े हुए हो, जितना ज़्यादा टाइम उतना ज़्यादा बेटर। इसका वेटेज आपके क्रेडिट स्कोर में अप्रॉक्सीमेटली 15% का रहता है। अगर आपने बैंक का कोई भी क्रेडिट प्रोडक्ट 60 महीने से ज़्यादा भी यूज़ कर रहे हो, यानी कि 5 साल से ज़्यादा, तो आपको इस पैरामीटर में पूरे के पूरे मार्क्स मिलेंगे। बहुत सारे लोग अपने पुराने क्रेडिट कार्ड्स को बंद करवा देते हैं विदाउट रियलाइजिंग कि आपका जो पुराने क्रेडिट कार्ड्स हैं वो आपकी क्रेडिट हिस्ट्री में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करते हैं। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप यूजिंग योर ओल्ड क्रेडिट कार्ड्स। अगर आपके नए वाले क्रेडिट कार्ड को भी 5 साल से ज़्यादा हो गए हैं, देन आप अपना पुराना वाला क्रेडिट कार्ड बंद करवा सकते हो। फिफ्थ एंड द लास्ट पैरामीटर इज क्रेडिट मिक्स, जिसका वेटेज है अप्रॉक्सीमेटली 10%। इसका सिंपल मतलब है कि आपने कितने अलग अलग तरीके के क्रेडिट प्रोडक्ट्स ले रखे हैं, जितना ज़्यादा उतना बेटर। अभी सुनने में थोड़ा उल्टा लग रहा है कि यार घर वाले तो कहते हैं जितना लोन से दूर रहो उतना बेटर है, लेकिन अगर आप बैंक से अलग अलग तरीके के क्रेडिट प्रोडक्ट्स लेते हो और आप सबकी पेमेंट टाइमली कर देते हो, तो बैंक को ये मैसेज जाता है कि आप एक रिस्पॉन्सिबल इंसान हो एंड आपका स्कोर बढ़ जाता है। इसमें भी अगर आप 5 से ज़्यादा क्रेडिट प्रोडक्ट्स लेते हो तो आपको मैक्सिमम पॉइंट्स मिलते हैं। बट वी रिकमेंड यू टू नॉट टेक मोर लोन्स जस्ट टू इंक्रीज योर क्रेडिट स्कोर, बिकॉज हमने आपको और भी तरीके बताए जिससे आप अपना क्रेडिट स्कोर इंक्रीज कर सकते हो। So just to summarize, amongst these 5 parameters, payment history and credit utilization are the most important factors contributing 65% of your credit score. अगर आपने इसको ठीक कर लिया तो आपका major जो credit score है वो अपने आप बढ़ जाएगा और सही हो जाएगा। अगर आपका इस time में credit score कम है, so हमारे बताए हुए formula को use करिए, 30 से 40 दिन में आपके 120 से 130 points आराम से बढ़ जाएंगे। Let us know in the comment section if you have any doubts regarding credit score. हम आपके लिए एक और वीडियो बना देंगे, बिकॉज वी आर ऑब्सेस्ड विद क्रेडिट स्कोर।